हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। बिना किसी झंझट के, बिना घिसे गाजर का हलवा। हम गाजर लेंगे, गाजर को छील के इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। फिर इन्हें हम कुकर में डालेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 2 कप दूध, 1 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी, 1/2 चम्मच। इन्हें हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इन्हें अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे प्रेशर कुक करेंगे, कम से कम 3 सीटी। सीटी हमें जल्दी जल्दी नहीं लेनी है, हम इसे स्लो गैस पे सीटी लाएंगे। इसमें हम डालेंगे इलायची, हमने 3 सीटी ले ली हैं। हम अपने कुकर खोलेंगे, हमारी गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। हम इसे आप इसे मैशर से भी घोट सकते हैं और चमचे से भी। हम इन्हें अच्छे से घोट देंगे। हमारी गाजर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई हैं, ये अच्छे से घुट रही हैं। इसमें हमारे गाजर के कुछ, हमें इसे अच्छे से बिल्कुल इसे हमें घोटना नहीं है, इसे थोड़े थोड़े हमारे इसमें गाजर के चंक्स रह जाएंगे, वो हम बाद में पकाएंगे। ये देखिए, इसे हम फुल गैस पे और पका लेंगे। ये हमारा दूध अच्छे से गाजर सोख लेंगी। इन्हें अच्छे से मिला के फिर हम एक पैन लेंगे। गाजर हमारी 1 किलो थी, इसमें हम 1/2 लीटर दूध का मावा डालेंगे। हम दूध लेंगे, दूध को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये मावे की फॉर्म में नहीं आ जाता। हमारे दूध में उबाल आ गया है, हम इसे जब तक पकाएंगे जब तक हमारा ये मावे की फॉर्म में नहीं आ जाता। दूध हमारा पक चुका है, देखिए कितना गाढ़ा हो गया। हमें बराबर चलाना है ताकि हमारा दूध लगे नहीं। देखिए अच्छे से बन चुका है हमारा दूध। इसमें हम अपने डालेंगे गाजर, बहुत जल्दी बनने वाली गाजर का हलवा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इसमें हम अपनी गाजर डालेंगे, इन्हें हम मिला देंगे। अब हम इसे फुल गैस पे पकाएंगे, गैस हम हाई कर लेंगे, फ्लेम हम हाई कर देंगे
ये देखिए, हमारी गाजर अच्छे से घुट गई है। अब इन्हें हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इस स्टेज पे हम अपने ड्राई फ्रूट डालेंगे। इसमें डालेंगे काजू बादाम, आप अपनी पसंद के भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट डालें। हमारा दूध अच्छे से पक गया है, इसमें अब डालेंगे हम काजू बादाम। इन्हें मिला देंगे। देखिए, बिना किसी परेशानी के, बिना झंझट के हमारा गाजर का हलवा तैयार है। इसे हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी लास्ट में। इसे हम चला लेंगे। तैयार है हमारा बिना गाजर घिसे, बिना किसी परेशानी के गाजर का हलवा झट से तैयार हो गया। गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। तैयार है हमारा गाजर का हलवा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।